In this today's world of online shopping, online selling of products has also reached its peak. मतलब अगर कोई भी सेलर अपना सामान पूरे इंडिया में एक रिमोट जगह से बेचना चाहता है तो वो कुछ नहीं एक मार्केट प्लेस पे आके मार्केट प्लेस जैसे Amazon, Flipkart, Myntra पे अपने प्रोडक्ट्स बेच सकता है। सो मान लीजिए मैं एक मार्केट प्लेस हूँ और आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सामान बेचना चाहते हो तो मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। इस कॉन्ट्रैक्ट में जितनी भी टर्म्स कंडीशन होगी एक टर्म होती है दैट इज इंडेमनिटी, जिसको लोग अक्सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के नाम से जानते हैं। तो मैं आपको इंडेमनिटी देता हूं कि अगर तुम मेरे प्लेटफॉर्म पे आते हो और मेरे प्लेटफॉर्म पे आने की वजह से तुमको मेरी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो मैं इसकी भरपाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? सो दैट आप बीइंग अ सेलर आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आओ और आपका कोई भी नुकसान, ये बिजनेस प्रॉफिट लॉस की बात नहीं हो रही बट आपके प्रोडक्ट को होने वाला नुकसान या आपकी डिलीवरी में लैग होने वाले नुकसान को मैं भरपाई कर सकता हूं। इसी का एक सिंपल सा एग्जांपल होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, जहां पे इंश्योरेंस कंपनी आपको एक आश्वासन देती है कि भाई आप अपना बिजनेस करिए और उस बिजनेस में किसी भी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपका सामान बाहर से आ रहा है और उसको किसी प्रकार का एक रिस्क है कि सामान डूब जाएगा, डैमेज हो जाएगा, तो वो आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। इसको कॉन्ट्रैक्ट का जो नेचर है उसको बोलते हैं कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इसका एकमात्र पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें दो पार्टीज होती है। जो मैं मार्केट प्लेस था तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया, सो आई एम अ प्रॉमिसर और इन लीगल टर्म्स यू कैन से आई एम एन इंडेमनिफायर और आप हुए प्रॉमिसी। जो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके सामान बेचोगे तो आप हुए इंडेमनिटी होल्डर। सो आई विल इंडेमनिफाई यू। इंडेमनिफाई यू का मतलब क्या होता है? आई विल मेक गुड द लॉस। तो भाई आपको एक सिंपल सा सिक्योरिटी मिल जाता है कि इनके प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो इनकी वजह से या किसी थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान होगा तो ये हमें इसमें मदद कर देंगे, तो मैं आपको कॉम्पेंसेशन प्रोवाइड कर दूंगा। सो जैसे कि फायर इंश्योरेंस, मराइन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आ सकता है। बट मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से, जिसका आंसर आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओगे कि क्या लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में आता है कि नहीं, इट्स अ क्वेश्चन फॉर यू। इसी से रिलेटेड कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने नेचर बताया था उसी का एक टाइप हो गया इंडेमनिटी। अब दूसरा टाइप होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में तीन पार्टीज होती है, प्रिंसिपल, डेटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर। आप लोग को इनके मीनिंग तो पता ही होंगे। समझ आया? नहीं समझ आया? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब समझाता हूँ। तीन पार्टीज जैसे कि प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर जैसे कि आम आदमी जो लोन लेता है, तो या तो हम या कोई भी कंपनी जो बैंक से लोन लेते हैं, तो यहाँ मैंने बैंक का टर्म लिया, उसमें सेकेंड पार्टी आती दैट इज क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन होते हैं? कोई भी ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक जो लोन देते हैं लोगों को, तो लोग भी लोन लेते हैं या कंपनी देते हैं। तो प्रिंसिपल डेटर वो हो गया हमारे एग्जाम्पल में जिसने लोन लिया, और क्रेडिटर वो हो गया जिसने लोन दिया। तीसरी पार्टी मैंने आपको बताई थी श्योरिटी, जिसको टेक्निकल टर्म्स या लीगल टर्म्स हम बोलेंगे गारंटर। ये गारंटी देता है बैंक को। सो गाइस देयर आर थ्री पार्टीज, प्रिंसिपल डेटर, देयर इज अ क्रेडिटर एंड देयर इज अ श्योरिटी। तो प्रिंसिपल डेटर क्रेडिटर से लोन लेता है, अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट नहीं किया तो श्योरिटी पे लायबिलिटी नहीं आने वाली। बट श्योरिटी ने लिखित में क्रेडिटर को दिया था कि अगर प्रिंसिपल डेटर लोन की भरपाई नहीं कर पाता है तो मैं आपको लोन की रीपेमेंट कर दूंगा। बाद में जब श्योरिटी पे लायबिलिटी आएगी और जब वो क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा, पर ये लायबिलिटी कब आएगी? जब प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया होगा। अगर प्रिंसिपल डेटर ने डिफॉल्ट किया ही नहीं तो श्योरिटी पे लायबिलिटी नहीं आएगी। मान लेते हैं डिफॉल्ट किया, प्रिंसिपल डेटर लोन की पेमेंट नहीं कर पाया क्रेडिटर को, मतलब हमने लोन लिया और हम बैंक को लोन रीपे नहीं कर पाए, तो क्रेडिटर मतलब जो हमारे बिहाफ पे किसी ने गारंटी दी थी, तो बैंक उससे जाके बोलेगा कि आप पेमेंट करिए। एंड प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी के बीच में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है रीपेमेंट का, बट प्रिंसिपल डेटर फ्यूचर में बाद में कभी पेमेंट श्योरिटी को करेगा। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर अ डिफरेंस बिटवीन एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। प्लीज कॉमेंट सेक्शन में आंसर के साथ जरूर बताना हाउ यू गाइस लाइक दैट। थैंक यू।